ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰिवेदी ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਦਿੱਤ્ય ਧਰਮਾਧਿਖ ਜੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤ੍ਰिवेदी ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਿੱਤ્ય ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਟੂ ਲਾਈਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਪੇ-ਬਾਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅ ਦਿੱਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 10+2 ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆ सबसे पहले स्टार्ट करते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से किस सन के बच्चे ऑस्ट्रेलिया के लिए समय प्लस टू के बाद एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी आ, बैचलर्स इंडिया में ऑलरेडी की हुई है वो आगे जाके क्या तैयारी करें या उनके लिए ऑस्ट्रेलिया कैसे खुला है या उसके उनको क्या क्या रास्ता अपनाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले डिस्कश सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो बारहवीं के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए 2020 के अगर पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए जुलाई लास्ट इन टेक है अगर उन ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिनके पास 30 से 32 लाख रुपए ऑलरेडी थ्री मंथ्स ओल्ड पड़ा हुआ है और वो जुलाई इन टेक में जाना चाहते हैं 2020 पास आउट स्टूडेंट वो जा सकते हैं अभी भी जुलाई इन टेक लास्ट इन टेक होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए 2020 पास आउट स्टूडेंट के लिए अगर स्टूडेंट 2021 या 2022 में पास आउट करेगा उनके लिए थ्री मंथ्स ओल्ड फंड होने चाहिए आयल्स में रिक्वायरमेंट छः नॉट लेसन साढ़े पाँच होना चाहिए और पीटी बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनके कि आयल्स में साढ़े पाँच बैंड नहीं आ पाते वो पीटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो पी के पर भी आप फोकस कर सकते हैं और पी में जो बैंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ जस्ट फि फोर्टी सिक्स नॉट लेसन फोर्टी टू की है अगर ओवरऑल 46 है नॉट लेस एन 42 है तो यस, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं और आगे उनको क्या चीज की तैयारी करनी है ओनली वन थिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड फंड्स फंड्स थ्री मंथ्स ओल्ड होना चाहिए और सालाना आमदनी कम से कम आठ से बारह लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए सालाना आमदनी में उन स्टूडेंट्स के मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी भी हो वो भी ऐड हो जाते हैं तो एक आ, अगर आपको इसके विषय में पूरी क्लैरिटी चाहिए तो हमारा नंबर दिया हुआ है नीचे नाइन टू वन सिक्स थ्री डबल फाइव थ्री डबल फाइव पर आप कॉल कर सकते हैं और फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं बिल्कुल ठीक है सो so, फंड्स uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स फंड्स में के इस कन्फ्यूजन से रेंगे ने जिमें मैं शुरू च भी सवाल किया कि माँ बाप अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट्स फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या इमीडिएट अपने फ़ंड्स माँ बाप ट्रांसफ़र कर सकते नहीं कि सारी फ़ीस माँ बाप के खाते चो जाएगी या स्टूडेंट के खाते चो भी जा सकती है देखिए स्टूडेंट के खाते से भी फीस जा सकती है फंड्स वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है फंड शो करना एक अलग प्रोसेस है और ऑस्ट्रेलिया में इसको मैं ऐसे और भी क्लियर करना चाहता हूँ जो टोटल फंड्स है जो टोटल फंड्स है उसी में से बच्चे की फीस जाती है कई मार्केट में इसमें अफवाह भी है कि फंड्स अलग से शो करो फीस अलग से शो करो लेकिन नहीं फंड्स के बीच में से ही फीस जाती है तो पेरेंट्स को फंड स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है दादा दादी के पास पैसे हैं उनको बच्चे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है वो एज इट इज़ शो होंगे जो खर्च वाले पैसे हैं वो पेरेंट्स भी पे कर सकते हैं दादा दादी भी पे कर सकते हैं तो फंड्स को इधर उधर मैनिपुलेट करके तीन महीने का जो टैट है वो तीन महीने का जो इनका फार्मूला है उसको हम ना ब्रेक करें अगर ऑलरेडी थ्री मंथ्स ओल्ड फंड हैं उसको बहुत ही समझदारी से लगाना पड़ेगा और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए जो बारहवीं के बाद ऐसे स्टूडेंट जो कि कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके उन्होंने अपना दाखिला बी कॉम बी आ, या बैचलर्स में कहीं पे भी करा रखा है उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक सुनहरा मौका होने वाला है वो अपनी पढ़ाई ड्रॉप नहीं करें ग्रेजुएशन कंप्लीट करें साढ़े छः नॉट लेस देन सिक्स बैंड लेकर आए थ्री मंथ्स ओल्ड फंड लेकर आए पच्चीस से 28 लाख रुपए के बीच का फंड आप शो करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके आपके पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है सबसे मुख्य बात है एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमें हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए और मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि हमें अपना बजट सबसे पहले डिज़ाइन करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बहुत सारी लेवल वन की यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपका खर्चा ऑस्ट्रेलिया जाने का खर्चा बहुत कम आएगा छे से सात लाख रुपए के बीच में भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं जिसमें कि उनकी एक ट्राइमेस्टर की फीस इंक्लूडिंग होती है चलो थैंक यू सो मच आदित्य जी बहुत इंपॉर्टेंट इनफोरमेसन इस शो के साढ़े शेयर की है सो मैं उम्मीद कर कि स्टूडेंट्स जरूर फायदा येगा फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर स्क्रीन पर है तुम तुरंत टेलीफोन करो अपनी उस कन्फ्यूजन को दूर करो थैंक यू सो मच आदित्य जी